हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर 13 गति एवं समय। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो अंत तक जरूर देखें, जैसे इस चैप्टर से रिलेटेड आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए उसे आप आसानी से कर सकें। और अगर ये वीडियो अंत तक अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके इस चैनल का सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक गति एवं समय। गति क्या है? गति एवं समय। तो गति क्या है? तो गति समय के साथ साथ क्या, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। तो समय जैसा जैसा बढ़ता जाता है, समय के साथ जैसा जैसा परिवर्तन होता जाता है, तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है उसको हम गति कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना भी गति। तो समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। तो जो वस्तु, जैसे कोई अरावली पर्वत है, तो क्या हुआ, आज कितना, पहले कितना बड़ा होगा, आज वो संसार का सबसे पुराना पर्वत आज कैसा होगा। तो ये क्या है, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। ये क्या है, एक समय चक्र। तो गति के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। अब क्या है, जैसे पृथ्वी का सूर्य की ओर चारों ओर परिक्रमा करना, ये एक गति है। गति कितनी प्रकार की होती है, तो वर्तुल गति, आवर्ती गति, घूर्णन गति, तीन प्रकार की होती है। तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। उदाहरण क्या है, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाना, या चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाना, या सूर्य का आकाश गंगा की ओर परिक्रमा लगाना, या सूर्य का सुबह सुबह उगना और डूबना। तो ये सारी क्या, ये सारी चीज़ें गति हैं। तो गति कितनी तरीके की होती है, तीन प्रकार की, वर्तुल गति, आवर्ती गति और घूर्णन गति। ये क्या है, ये तीन प्रकार की होती है। चाल किसी वस्तु द्वारा, क्या, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एक किसी वस्तु, चाल क्या होती है, चाल उसको कहते हैं जब किसी वस्तु द्वारा एकांक समय, मतलब एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल से हमें पता चलता है कौन तेज चला। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक, एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। मान लीजिए हम कानपुर से लखनऊ गए, तो एक निश्चित चाल में गए तो हम एक घंटे पहुँच गए, दूसरा व्यक्ति दो घंटे पहुँच, तीसरा व्यक्ति आधे घंटे। तो ये क्या पता चला, तो ये किस पर डिपेंड करता है, उस वस्तु की चाल पर डिपेंड करता है। तो क्या, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय पर तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो कैसे, किसी वस्तु द्वारा निश्चित, अगर हम स्पीड से चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे तो टाइम कम होगा, अगर धीमे धीमे चलेंगे तो, जब धीमे चलेंगे तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा होगा। तो स्पीड और टाइम में क्या अंतर, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। स्पीड अगर बढ़ रही है तो टाइम घट रहा है, स्पीड घट रही है तो टाइम बढ़ रहा है। तो चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल से हमें क्या पता चलता है कि कौन तेज चल रहा है। चाल क्या है, कुल तय की गई दूरी, कुल दिया गया समय। चाल कैसे पता चलेगा, मान लीजिए कानपुर से लखनऊ की दूरी 80 किलोमीटर है और हमें इतना समय लगा, मान लीजिए यहाँ से उतनी तक 80 किलोमीटर दूरी है और हमें मान लीजिए जितना समय लगे, तो उसको हम जब डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कार या हमारी बाइक या हमारा ट्रेन कितने स्पीड में चल रही थी। तो कुल तय की गई दूरी, कुल लिया गया समय, यह होता है। तो कुल तय की गई दूरी मतलब यहाँ कुल तय की दूरी क्या हुआ, तो मान लीजिए जहाँ से कुल तय कितनी दूरी तय की और उसमें कितना समय लगा, तो इससे पता चल गया कि कितनी चाल पे वो गाड़ी हमारी बाइक कितनी तेज, जब कार या जो चीज़ है वो कितनी स्पीड में चल रही थी। समय की माप के साथ दर्पण करते हैं, बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात दोहराते हैं। तो क्या, तो बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो एक निश्चित समय के बाद बार बार उसको दोहराती रहती हैं। क्या, बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के बाद बार बार दोहराती रहती हैं, जैसे सूर्योदय, परडे होता है, एक दोहराती, अमावस्या हर महीने होती, पृथ्वी की परिक्रमा हर एक वर्ष में होती है, घड़ियों की जो आवर्ती गति का उपयोग किया था, घड़ियों में आवर्ती गति जो पेंडुलम होता है जैसे जैसे हिलता रहता है। तो सरल लोलक क्या है, एक सिरा दृढ़ आधार से बंधा होता है। तो क्या, एक सिरा दृढ़ आधार से बंधा होता है और दूसरे सिरे पर यदि एक बिंदु द्रव्यमान से लटका दिया जाए तो इस प्रकार की वस्तु को हम दोलन कहते हैं। दोलन क्या है, तो सरल दोलन, तो जब एक सिरा दृढ़ आधार से बंधा, क्या, एक सिरा, एक दृढ़ आधार है तो दृढ़ आधार से बंधा हो, धागे से बांध दिया गया और इसमें क्या हो, दृढ़ आधार से बंधा हो और दूसरे सिरा पर क्या हो, जो दूसरा सिरा हो, तो इस आधार से तो हमने धागे से बांध दिया और यहाँ क्या है, इस यहाँ पर दबाव लटका दिया जाए, तो क्या, इस प्रकार की व्यवस्था को हम सरल दोलन कहते हैं, सरल लोलक कहलाती है। तो एक सिरा दृढ़ आधार से बंधा हो और दूसरा सिरा में यदि एक बिंदु द्रव्यमान से लटका दिया जाए तो इस व्यवस्था को हम सरल दोलक कहते हैं, सरल लोलक कहते हैं। लोलक क्या है, किसी खूंटी से लटके ऐसे बारूद, क्या,
किसी खूंटी से लटके ऐसे भार को लोलक कहते हैं। यदि कोई पिंड आवर्त गति करते हुए एक निश्चित पथ पर किसी निश्चित बिंदु के सपाट इधर उधर गति कर रहा है तो दोलन कहते हैं।